मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा में चुनावी बुगल फूकने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आखिरकार हरियाणा में जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी या नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ईडी केस में हालांकि आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, ईडी केस में केजरीवाल जो हैं वो रिहा हो गए हैं, लेकिन सीबीआई केस में राहत मिलने की जो आसार हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या बिना अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो हरियाणा में क्या होगी? क्या हरियाणा में बिना अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी सरकार बना पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा की विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें अपने खाते में डाल भी पाएगी या नहीं? क्योंकि लोकसभा चुनावों में देखा गया था कि आम आदमी पार्टी एक सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन वो एक सीट भी जीत कर अपने खाते में नहीं डाल पाई। ऐसे में अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें देखना होगा कि आखिरकार कौन जीत दर्ज करता है, क्योंकि हरियाणा के चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां कूद पड़ी हैं। बात करें यहां पर बसपा की तो मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का जेजेपी से गठबंधन हो गया है। ऐसे में कांग्रेस एक तरफ है, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से गठबंधन की बात जो है आम आदमी पार्टी की चल रही थी, लेकिन अभी तक उस पर मोहर लगती नजर नहीं आ रही है कि आखिरकार हरियाणा में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा भी या नहीं। इससे पहले गठबंधन था, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में नुकसान झेलना पड़ा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनावों में, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जो है आम आदमी पार्टी नहीं चुनाव लड़ेगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि विधानसभा चुनावों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती रहेगी, ऐसे में कितना फायदा होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन क्या हरियाणा में गठबंधन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात अगर की जाए तो सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इसका समर्थन करते हुए भी नजर नहीं आ रहे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। तो आखिरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनेगी? क्या मनीष सिसोदिया जो है आम आदमी पार्टी को संभालते हुए हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हालात अभी जेल से बाहर आने के नजर नहीं आ रहे। हालांकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं, के कविता भी इसी मामले में जेल से बाहर आ चुकी है, लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में क्यों है? लगातार सीबीआई उनकी मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार अगले महीने जो 5 अक्टूबर को मतदान होंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, उसमें कौन सी पार्टी जीत का बिगुल फूंकती हुई नजर आएगी। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।